गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर के पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब के विभिन्न नियमों की। जिस प्रकार गैस के नियम हैं उसी तरीके से अति तनु विलयनों के लिए भी नियम दिए गए हैं, जो कि वॉन्टहॉफ के द्वारा दिए गए थे, जिसमें हम पिछले वीडियो में वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ को पढ़ चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वॉन्टहॉफ चार्ल्स लॉ। इसे हम दाब ताप वॉन्टहॉफ नियम, प्रेशर टेम्परेचर वॉन्टहॉफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का मान भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम कंसंट्रेशन को सी और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं तथा ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड होते हैं, तो हम सी को वी के द्वारा तथा वी को सी के द्वारा भी रिप्लेस कर सकते हैं। यह नियम भी गैसों के चार्ल्स नियम के अनुरूप ही होता है। अतः यह डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वॉन्टहॉफ चार्ल्स का नियम या फिर विलयनों के लिए दाब ताप नियम भी कहलाता है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट किया गया है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी होगा, या फिर हम इसे पाई एंड टी के रिलेशन को हम पाई अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों नियमों को मिलाकर हम सॉल्यूशंस के लिए एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। सॉल्यूशंस के लिए दिए गए दोनों नियमों को हम देखें, वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ एंड वॉन्टहॉफ चार्ल्स लॉ। वॉन्टहॉफ बॉयल्स लॉ हमें पाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी के बारे में बताता है एंड वॉन्टहॉफ चार्ल्स लॉ हमें पाई प्रोपोर्शनल टू टी के बारे में बताता है। इन दोनों नियमों को हम ऐड कर दें तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी हो जाएगा, पाई वी प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। गैसों के लिए हम यहाँ पर आर कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पर एस कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। पाई जैसे कि पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है गैसों के लिए, उसी तरीके से यह सॉल्यूशंस के लिए पाई वी इक्वल्स टू एस टी हो गया। ये एक मोल के लिए आता है। अगर हम इसे एन मोल के लिए ज्ञात करना चाहें तो पाई वी इक्वल्स टू एन एस टी हो जाता है। यहाँ पे जो एस कॉन्स्टेंट हमने यूज़ किया है उसे सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट कहा जाता है, और यही इक्वेशन वॉन्टहॉफ इक्वेशन या जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन कहलाती है। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यह गैसों के पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के इक्विवेलेंट ही होती है। अगर यहाँ पे हम पाई वी की वैल्यू 22.6 लीटर वायुमंडल रख दें तो इस एस की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ बताई गई है। एस की वैल्यू 0.0827 प्राप्त होती है, जो कि आर के मान के काफ़ी समान है। अतः हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वॉन्टहॉफ इक्वेशन को निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब अपन बात करते हैं वॉन्टहॉफ एवोगैड्रोस लॉ की। माना कि हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन के अंदर एन वन मोल को हमने डिसोल्व किया है, उसका वॉल्यूम वी वन है, उसका टेम्परेचर हमने टी वन रखा है। दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें एन टू मोल हैं, आयतन उसका वी टू है, टी टू केल्विन टेम्परेचर पर घुले हुए हैं तथा उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्रमशः पाई वन एवं पाई टू हैं। अगर ये दोनों ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे तो उनके लिए हम जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन लगा सकते हैं। फर्स्ट के लिए अपन लगा सकते हैं पाई
वन वी वन इक्वल्स टू एन वन एस टी वन एंड दूसरे के लिए पाई टू वी टू इक्वल्स टू एन टू एस टी टू। यदि दोनों ही सॉल्यूशन आइसोटोनिक नेचर के हुए तो आइसोटोनिक नेचर के होने पर उनकी उनके लिए पाई वन की वैल्यू पाई टू के इक्वल तथा टी वन की वैल्यू टी टू के इक्वल होगी। ऐसा होने पर चूंकि एस की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो वी वन इक्वल्स टू वी टू हो जाएगा और एन वन इक्वल्स टू एन टू हो जाएगा अगर हम 23, 24 इक्वेशन का आपस में कंपैरिजन करें। अतः हम कह सकते हैं कि समान ताप और समान परासरण दाब पर सॉल्यूशंस के समान आयतन में विलय के अणुओं की संख्या समान होती है। यही गैसों के एवोगैड्रो रूल के अकॉर्डिंग है। इसलिए इसे सॉल्यूशन के लिए वॉन्टहॉफ ने चूंकि मॉडिफाई किया था अतः इसे सॉल्यूशंस के लिए वॉन्टहॉफ एवोगैड्रो रूल कहते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, समान ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलय के बराबर मोल घोलने पर विभिन्न विलयन समान परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है वॉन्टहॉफ एवोगैड्रो रूल। वॉन्टहॉफ का तनु विलयनों का सिद्धांत गैसों के लिए जिस तरीके से ये नियम दिए गए थे उसी तरीके के प्रॉपर्टीज़ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में प्राप्त होती हैं। तो वॉन्टहॉफ ने गैसों में और इन तनु विलयनों में काफ़ी समानताएं देखी और उसी के आधार पर वॉन्टहॉफ ने तनु विलयनों का के सिद्धांत दिए थे। इन सभी सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से हम वॉन्टहॉफ का तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार विलयन में विलय के अणु गैस में गैस के अणुओं के समान ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए विलयन में विलय के अणुओं का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वह उसी ताप और आयतन में विलय गैस के अणुओं द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए जब भी हम किन्हीं दो सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करते हैं तो लो कंसंट्रेशन वाले विलयन से हायर कंसंट्रेशन वाले विलयन की तरफ सॉल्वेंट का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। इस प्रकार साम्यावस्था में ये विलयन इस समय समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वे विलयन जिनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने पर वह किसी भी तरफ प्रवाहित नहीं होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इक्वल हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान ताप पर जिन विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन भी विलयन कहा जाता है। लेकिन उन दोनों सॉल्यूशंस में अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो तो उनमें से कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को कम परासरण दाब वाले सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तथा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होगा उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और वास्तव में यदि हम किन्हीं दो विलयनों को भिन्न भिन्न ऑस्मोटिक प्रेशर वाले विलयनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट का प्रवाह सदैव अल्प परासरी विलयन मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अति परासरी विलयन मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। यदि हम दो सॉल्यूशंस लें जिनकी सांद्रताएं सी वन सी टू हैं और उनके ऑस्मोटिक प्रेशर समान हैं तो हम उनके लिए लिख सकते हैं सी वन इक्वल्स टू सी टू, इस अतः एन वन अपॉन वी वन इक्वल्स टू एन टू अपॉन वी टू
क्योंकि हम जानते हैं C इक्वल्स टू एन अपॉन वी होता है, एन की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन एम होती है। इस तरीके से अतः डब्ल्यू वन तथा डब्ल्यू टू दोनों विलायकों में विलेय के द्रव्यमान तथा एम वन एम टू उनके मोलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। समीकरण 26 एंड 27 ये दोनों ही आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कंडीशंस कही जा सकती हैं। तो ये आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की शर्तें क्या हैं, तो शर्तों में आपको ये बताना है। परासरण दाब के नियम की सीमाएं देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित दशाओं में ओस्मोटिक प्रेशर के नियम सही नहीं होते। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब ओस्मोटिक प्रेशर के नियम सही नहीं बैठते हैं? फर्स्ट कंडीशन है जब सोल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट हो, तब ये नियम सारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की अंदर वेरियस आयंस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है विलेय की विलयन में सांद्रता बहुत अधिक हो, सांद्र विलयनों पर यह लागू नहीं होता है। सोल्यूट के वोलेटाइल होने की सिचुएशन में भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। और कभी कभी कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं जिनको सोल्वेंट में डिसोल्व करने पर उनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है, उस समय भी ये परासरण दाब के नियम लागू नहीं होते हैं। परासरण दाब की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, हमने वॉन्टहोफ का जो गैसीय समीकरण जैसा समीकरण था सॉल्यूशंस के लिए वह ले लिया, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, पाई इक्वल्स टू वी को अपन दूसरी तरफ ले गए, एन अपॉन वी को हम सी लिख सकते हैं, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एक्चुअली हमें यहाँ पे एस ही लिखना चाहिए था, पाई वी इक्वल्स टू एन एस टी। इस तरीके से अपन ओस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, जब हमें सी मीन्स उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता हो तथा किस टेम्परेचर पर वह सॉल्यूशन लिया गया है वह पता हो, ऐसे कांस्टेंट है। इस प्रकार से हम ओस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। परासरण दाब से अणुभार ज्ञात करने की विधि बताइए, तो अपने को यहाँ से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा ओस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेशन से। ओस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन अपन ने कर ली, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, लेकिन अगर अपन सी ना लिखें, एन अपॉन वी रखें इक्वेशन में, तो एन जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो डब्ल्यू अपॉन एम से कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पे हमने एन की वैल्यू रख दी डब्ल्यू अपॉन एम, और V को फिर अपन दूसरी तरफ ले आए, इस तरीके से फिर यहाँ पे M को कैलकुलेट किया जा सकता है। M इक्वल्स टू W अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन वी हो जाएगा। अतः किसी भी सोल्यूट का मोलिकुलर वेट निश्चित ताप पर किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन के ओस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यह किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन का एग्जैक्ट एंड बेटर मेथड नहीं होता है, अतः हम नए मेथड्स की खोज जारी रखते हैं। इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है। 10 ग्राम पदार्थ है अपना, 250 ml वाटर में डिजोल्व हो रखा है, यानी यहाँ पे W स्मॉल W क्या हो गया, 10 ग्राम हो गया, और इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या है 250 ml हो गया, और टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है m इक्वल्स टू w अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन वी से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर वेट। Thank you.